मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें 40 पिस्टल सहित हथियारों का जखीरा पकड़ा है। लॉकडाउन के दौरान हथियारों का जखीरा तैयार कर 5 जिलों के लिए तस्करी कर रहे थे। प्रदेश में उपचुनाव के चलते सप्लाई की आशंका बताई जा रही है। खरगोन SP सुनील पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिपलिया बावड़ी रोड पर यात्री प्रतीक्षालय के पीछे संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं। इस पर पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी कर 2 आरोपियों मीठाराम उर्फ जनरल सिंह, जगत पिता लाभ सिंह और एक नाबालिग के बैग से 4-4 पिस्टल और 1-1 जिंदा कारतूस जब्त किया है। सख्ती से पूछताछ करने पर सतीपुरा ने बताया कि मीठालाल के घर में 4 देसी कट्टे और 10 जब्त किए गए हैं। जगत सिंह के घर से 13 पिस्टल जब्त किए गए हैं। आरोपियों से 40 हथियार और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का कारखाना जब्त किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 40 अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। ये खरगोन पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अपने प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हथियार एक साथ पहली बार पकड़े गए हैं। खास बात इसमें यह है कि हथियार के साथ ही हथियार बनाने की जो मशीनरी होती है, जो उसके कल पुर्जे जो उसके रहते हैं लोहे और ये सब पाइप वगैरह, ये सब कुछ बरामद हुए हैं। एक तरीके से ये अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री थी उसको पूरा तरह नेस्त नाबूद की है पुलिस। इसमें पिछले दिनों हमारे IG साहब को, DIG साहब को, सबको इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ अवैध हथियार यहाँ से बाहर ले जाने के फिराक में बदमाश हैं। उस पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें हमने एक टीम बनाई थी। हमारे भगवानपुरा थाना प्रभारी वरुण तिवारी, हमारे भीकनगांव के SDOP और दूसरे भी हमारे यहाँ के सारे पुलिस वाले इसमें लगे हुए थे। कल रात में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं जो भगवानपुरा इलाके के हैं, ये मीठाराम निवासी सतीपुरा भगवानपुरा और एक जगत सिंह निवासी सतीपुरा भगवानपुरा, ये लोग, इनकी चर्चा हुई है बाहर कुछ लोगों से जिनको हथियार सप्लाई करने के फिराक में है, जिस पे पुलिस ने दबिश दिया, इनको पकड़ा, इनके पास से उसी पुलिस ने दबिश दिया इनके घरों पे। उस दौरान जो बरामदगी हुई है करीब हमें 36 पिस्टल और 4 कट्टे, इस तरह से टोटल 40 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इन 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी था जो केवल कैरियर का काम करता था, वो भी है। इन्होंने ये बताया कि ये किस तरह से और कहाँ बनाते हैं और उसके आधार पे ये विभिन्न जो यंत्र हैं जो इसको बनाने में उपयोग किए जाते हैं वो सब भी हमें मिले हैं। कुछ सामान इन्होंने ज़मीन में गाड़ के रखे थे वो भी निकाला गया है। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें प्राथमिक तौर पे इन्होंने ये बताया है कि ये इंदौर, धार, खरगोन, देवास, वहाँ के कुछ लोग थे, जो मीडिएटर होंगे उनको हम पूछताछ करेंगे, उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो हमारी पुलिस टीम थी उसके लिए हमारे IG साहब के द्वारा 30,000 रुपये का कैश रिवार्ड देने की घोषणा की गई। देखिए, हमारे जो हमें प्राइमा फेसी जो मुझे जानकारी है कि ये लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जंगल में इसको बनाया और लॉकडाउन में मोबिलिटी नहीं थी लोगों की, इसलिए इसको सेल नहीं कर पाए हैं। इसलिए जैसे ही ये खुला है पुलिस को मुखबिरी हुई और हम इसको इतनी बड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।